हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी जिमिनी के बेस वेरिएंट के बारे में, जिसका जो डेटा वेरिएंट है वो अपने लॉन्च डेट से पहले ही जो है वो स्पॉटेड हो गया है। इन फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स का जो बेस मॉडल है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें इंटीरियर एक्सटीरियर से हमें किस तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड फ्रेंड्स फाइनली जो जिमिनी 5 डोर का फ्रेंड जो बुकिंग्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एंड इसके लॉन्च डेट से पहले ही ये पब्लिकली रोड्स पे जो है स्पॉटेड भी हो गई है। एंड फ्रेंड ये हमें बेसिकली टू वेरिएंट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट मॉडल जो कि हमें जेटा, जो कि हमें इसका बेस मॉडल देखने को मिलेगा, एंड सेकंड मॉडल जो कि हमें इसका अल्फा, जो कि हमें इसका टॉप एंड मॉडल देखने को मिलेगा। एंड मैं बात करने वाला उसके बेस मॉडल के बारे में। तो फ्रेंड जिसका जेटा वेरियंट है फ्रेंड्स के अंदर हमें स्टील व्हील्स ही जो है हमें देखने को मिलेंगे, एंड इसके अंदर में ब्लैक बम्पर्स, फेंडर्स एंड फैब्रिक कवर्स जो कि हमें स्पेयर व्हील के साथ ही जो है हमें देखने को मिलने वाली है। इंटीरियर चेंजेस के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर भी हमें जो 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोमेंट सिस्टम है, जो कि हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एयर कंडीशनर, कीलेस एंट्री एंड स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर्स जो कि हमें इसके बेस मॉडल के अंदर ही जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड पावर ट्रेन के अंदर हमें कोई भी चेंजेस जो है हमें नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड। ये हमें मारुति का जो 1.5 लीटर जो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा, जो कि हमें 103 BHP के पावर के साथ एंड 134.2 NM के टॉर्क के साथ ही जो है हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में हमें इसके अंदर 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड इसके अंदर में जो सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो जो ऑल व्हील टायर सिस्टम है वो भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इस कार के बारे में इतने फीचर्स एंड डिटेल्स जो है रिवील्ड होती है फ्रेंड। और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लोग नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।